गाइस वेलकम बैक, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन 13 में हम आईफोन के डॉक और लॉक स्क्रीन पे जो आइकॉन्स होते हैं उनके कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। करंटली आप देख सकते हो मेरे आईफोन 13 के जो लॉक स्क्रीन और आईफोन का जो डॉक है उसके कलर्स आपको चेंज देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी भी अपने आईफोन 13 को ये सेम लुक प्रोवाइड करवा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कौन सा आईओएस वर्जन मैं अपने डिवाइस के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। तो मेक श्योर रखें कि आप सभी भी इसी स्टेबल वर्जन को अपने डिवाइस के ऊपर जरूर अपडेट कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आईफोन 13 यूज़र्स के लिए। बात करते हैं इसको आप लोग को कैसे इनेबल करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको मैंने एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आपने ओपन करना है, वो भी अपने सफारी ब्राउज़र में। तो यहाँ पर आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको हर एक वॉलपेपर देखने को मिलेगा हर एक आईफोन के लिए। आप देख सकते हो आईफोन एक्स से लेकर जितने भी आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स तक आईफोन्स आए हैं उन सभी के लिए आपको वॉलपेपर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी वॉलपेपर आपको यहाँ पर ऐड करना है अपने डिवाइस में तो उसको आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है और आपको ये सेव करने की ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। तो वो कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग वैरायटी कलर्स के वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस वॉलपेपर को सेव करना है, मान लो कि मैंने इसको सेव करना है, तो सिंपली आपको इसके ऊपर सिंगल टैप करना है। जैसे ही यहाँ पर सिंगल टैप करोगे तो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग यहाँ पर शो करेगा। जब तक ये प्रोसेसिंग नहीं पूरी हो जाती तब तक आपको यहाँ पर वेट करना है, तो ये वॉलपेपर आपको यहाँ पर शो कर देगा। जैसे ही यहाँ पर आपको शो करेगा ये वॉलपेपर लॉक स्क्रीन का, उस टाइम के ऊपर आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है और आपको वहाँ पर सेव टू फोटोज़ की ऑप्शन शो करेगा और आपको सिंपली इस वॉलपेपर को अपनी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन में सेव करना है। तो यहाँ पर ये पूरा लोड हो चुका है, अब आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, सेव टू फोटोज़ में टैप कर देना है। इसके साथ आपका वॉलपेपर यहाँ पर सेव हो जाता है आपकी फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन में। इसे भी सेव करने के लिए सिंपली लॉन्ग प्रेस करो, सेव टू फोटोज़ के ऊपर टैप कर दो और आप गुड टू गो हो। अब आपको यहाँ पर फोटोज़ की ऐप को ओपन करना है और ये है अपना वॉलपेपर, वो है अपनी लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर, क्योंकि इसमें आपको दो राउंड सर्कल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर्स वॉलपेपर के ऊपर टैप करना है और इसको आपको फिट टू डिस्प्ले करना है, ताकि आपके जहाँ पर आइकॉन्स देखने को मिलते हैं वहाँ पर ये लॉक स्क्रीन में एकदम फिट आ जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड बटन पे टैप करके यहाँ पर कस्टमाइज होम स्क्रीन पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पर फोटोज़ के ऊपर टैप करना है और ये डॉक वाला वॉलपेपर आपको इसे ऐड करना है। ये भी अभी पूरी तरह से करेक्ट नहीं हुआ है, अब आपको इसे भी पिंच इन करना है ताकि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सके। तो यहाँ पर आपको इसे डन बटन पे टैप कर देना है और आपका ये जो वॉलपेपर है वो होम स्क्रीन के ऊपर सेटअप हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो होम स्क्रीन का वॉलपेपर है अब आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है और साथ में इसका डॉक का कलर भी यहाँ पर ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं स्वाइप डाउन करता हूँ तो लॉक स्क्रीन के जो आइकन कलर्स हैं वो भी आपको डार्क ग्रीन में देखने को मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आईफोन 13 पे ये कस्टमाइजेशन अप्लाई कर सकते हो, उसके डॉक के कलर को चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।